सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई नो आई एम लुकिंग टू बैड बिकॉज मैंने चंप भी करवाई थी। लाइक कल मैंने हेड मसाज भी लिया था और उसके साथ साथ मेरे फेस पे इतना बड़ा सारा पिंपल भी आ गया है। सो अभी काफ़ी टाइम हो गया है बट अभी मेरी गुड मॉर्निंग हुई है बिकॉज आज मैंने लीव ली है और उसके साथ साथ आज हम कुछ करेंगे। मतलब कि पहले तो अच्छे से मैं अपना पैम्पर रूटीन करूँगी। अच्छे से मैंने हेड मसाज तो कर ही ली थी, अब मैं अच्छे से बात लूँगी और मतलब कि लाइक स्क्रबिंग वगैरह सब कुछ करके उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या क्या करते हैं। मे बी कुछ प्लान बनाते हैं कहीं घूमने का। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और मेरा फेस अभी तो काफ़ी बुरी हालत में है। तो फॉर ब्रेकफास्ट आई एम हैविंग दिस म्यूजली एंड मुझे बहुत पसंद है और ये अभी तक 2 महीने का मेरा सबसे ज़्यादा मतलब कि लेट ब्रेकफास्ट है। अभी मतलब 1 बजने वाले हैं। सो चलो सबसे पहले मैं इसको मतलब कि मैं ये खा लेती हूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे बाकी की प्रिपरेशन। मैंने शार ले लिया था, उसके बाद मैंने हल्का सा ब्लो ड्राई किया है, इसको ज़्यादा नहीं किया बिकॉज मैंने कल ऑयलिंग कराई थी, मास्क लगाया है एंड देन ज़्यादा हीट से ही मुझे ड्राई करना है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना हेयर केयर का। एंड ज़्यादा हीट से ड्राई करना भी हेयर के लिए अच्छा नहीं होता है। वैसे तो हो सके तो वैसे ही मतलब कि एयर ड्राई कर लो। और उसके साथ साथ बिकॉज अभी थोड़ा सर्दी भी है, टुडे 2nd December, तो फिर इसीलिए मैंने हल्का सा ड्राई कर लिया बिकॉज ज़्यादा बाल गिरे रहते तो सर्दी लग जाती। फिर अब हम कर रहे हैं अपना स्किन केयर, बॉडी लोशन लगा लेते हैं एंड थोड़ा सा फेस पे लगा लेते हैं, कुछ मतलब कि मॉइस्चराइज कर लेते हैं फेस को भी। और फिर उसके बाद अब हम करेंगे लंच। और मैंने आज अपने नेल्स भी कट कर लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे बिकॉज आज जुमा है तो इसीलिए भी मैंने नेल्स कट कर लिए, नमाज भी पढ़ ली है। तो अब इसके बाद मैं अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँ अपनी बॉडी को, अपने फेस को एंड आफ्टर दैट हम करेंगे लंच। और आज बना है लंच में चिकन। सो आई एम वेरी हैप्पी और बहुत ज़्यादा दिन से मैंने नहीं खाया था, कुछ अच्छा सा आज मम्मा ने बनाया है तो आज वही खाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं शाम को हम लोग कहीं जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन तो कर लेते हैं और फिर बाद में मम्मा मना कर देती है बिकॉज मम्मा को आलस आ जाता है। हर टाइम ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो चलो अब मैं जल्दी से स्किन केयर कर लेती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी, बट उससे पहले मम्मा ने बुला लिया खाना खाने के लिए और मैं कितना इसको देख के परेशान हो रही हूँ, कब जाएगा। मैं लगा लेती हूँ टोनर एंड देन लिप बाम। आईब्रो वगैरह फिर बाद में करूँगी बिकॉज मम्मा बुला रही है वरना मम्मा बहुत डांटेगी। बाय बाय। सो गाइस आई एम गेटिंग रेडी और मैं शूट करना भूल गई एंड मतलब कि ऑलमोस्ट रेडी हो गई, बस बाल रह गए। और फिर चलो हम चलते हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया आज हम जा रहे हैं मार्केट और क्योंकि बहुत सारा सामान भी लेना और देखते हैं हम लोगों को कुछ मिलता है या नहीं। एंड बस अभी मैं रेडी होने वाली हूँ। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट में और मामा और ना फिर हम लोग करेंगे शॉपिंग। It's like a dream, my dream, beat a path for you, oh my, oh-oh, la 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 light, bright moonlight, only one that I take from starlight, night, singing far into night, and it's gonna be a sleepless night. Thank you.
सामान लिया है और बार्गेनिंग कर करके सस्ता सस्ता, इसीलिए जब आओ मम्मा के साथ आओ ताकि मम्मा बहुत अच्छे से बार्गेनिंग करा के आपको एकदम सस्ता सस्ता सामान दिला दे, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, मम्मा की शॉपिंग ही ख़त्म नहीं होती है, पता मैं मम्मा को खींच खींच के लेके आ रही हूँ, मम्मा एक एक शॉप पे रुक जाती है, उन्हें कुछ ना कुछ दिख जाता है, मैं कहती हूँ आगे चलो आगे और मिल जाएगा, मम्मा देखो कैसे चल रही है धीरे धीरे। चलो अब देखते हैं क्या क्या लाए, मुझे बहुत कुछ लेना था बट मुझे नहीं मिला और कुछ कुछ जो मिला वो सही नहीं लगा और नहीं भी ले पाए, तो चलो जो भी लिया है वो दिखा देंगे आपको और अब मैं रील्स बनाऊंगी। आते जाते कितना मैस क्रिएट कर दिया था, अब इस सबको भी फिर से सेट करना है। और गाइस मैंने आपको अपना लुक तो दिखाया नहीं है, दिस इज माई OOTT या फिर आउटफिट ऑफ द नाइट या डे, वैसे तो डे था अब नाइट हो गया। और फिर हम लोग गए थे और हमने काफ़ी सारा सामान भी पसंद किया, कुछ लिया और भी चलो दिखाएंगे और थोड़ा सा ही लिया और बाकी ऑनलाइन मंगाएंगे, मतलब कि घर के लिए ना बहुत सारा सामान लेना है तो मार्केट इसलिए भी गए थे ताकि हम जो ऑनलाइन हमने बहुत सारी चीज़ें अपने ऐड टू कार्ट करी है उस टाइप का भी मार्केट में मिल जाता है या प्राइस वगैरह क्या होते हैं ये सब भी देखने को मिला। और मतलब कि कुछ चीज़ें तो काफ़ी अफोर्डेबल थी जो हम लोग को मिल गई तो वो हमने ले लिया और बाकी जो नहीं मिली है बाकी हम ऑनलाइन मंगा लेंगे, सो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो जल्द बाय बाय। सो गाइस चलो मैं आपको दिखा दूँ जल्दी जल्दी से क्या क्या लाए हैं। एक तो मैं ये सेट लाई हूँ, मुझे ना आजकल ऐसे पीजेस बहुत अच्छे लग रहे हैं और विंटर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं एक तो ये लाई हूँ और उसके साथ साथ मम्मा के लिए हम लोग लाए हैं ये पजामा, कोई भी पहन सकता है, मैं भी पहन सकती हूँ पर ये मम्मा के हैं। देन हम लोग ये सॉक्स लाए हैं और मैं बैग भी लाई हूँ बिकॉज मेरा ब्लैक वाला बैग थोड़ा ख़राब हो गया है और सबको पता है कि मुझे बैग कैरी करना कितना अच्छा लगता है और सब लोग मुझसे कहते हैं तुम जहाँ जाती हो बैग लेके जाती हो, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है बैग लेना। ये मेरा बैग पुराने वाला है, इसमें मतलब कि सारा सामान आ जाता है तो कहीं भी इजिली कैरी कर सकते हैं। और ये चॉकलेट भी ली थी और एक चीज़ और ली है, ये बहुत अच्छी है, मम्मा ने लिए थे ये बैंगल्स। ये बैंगल्स बहुत अच्छे लगे, पहले तो मम्मा सिर्फ चार ले रही थी लेकिन मैंने बोला अच्छे हैं और ले रहे, फिर आठ बैंगल्स ले रही। और भी सामान थोड़ा सा लेना था, रंग वगैरह हम लोगों ने देखा था अच्छा तो लगा था लेकिन मतलब कि जो मेरे रूम की थीम है वो उससे के साथ मैच नहीं कर रहा था, पर्पल कलर का था डार्क तो वो नहीं अच्छा लगा इसीलिए, बट अब धीरे धीरे हम लोग और जाएंगे और देखेंगे और सामान मिलेगा तो वो सब लेंगे, फिर वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और जब थोड़ा सा सेटल हो जाएगा मतलब कि घर सेटअप हो जाएगा तो मैं थोड़ा और आपको दिखाऊंगी हमने क्या क्या कहाँ से लिया है और कैसे डेकोरेशन करी है घर की। अभी तो सब बहुत ही ज़्यादा मैसी सा है बट फिर मैं आपके साथ होम टूर भी शेयर करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस।